दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों जब आप YouTube या Facebook पर काम करते हैं तो आपको कई तरह के मेल्स आते हैं जिनमें स्पॉन्सरशिप हो सकता है या फिर किसी और तरीके से हो सकता है, और जो मेल होते हैं उनमें से कई मेल हैकर्स द्वारा भी भेजे जाते हैं। आजकल आपने देखा ही होगा कि यूट्यूब पर कई बड़े बड़े चैनल्स हैक हो जाते हैं। आखिर वो हैक क्यों होते हैं? क्योंकि जो मेल आता है उसमें जो लिंक दिया होता है हम उसे खोल देते हैं। सुबह सुबह जब मैं आज उठा और जब मैंने अपने मोबाइल को देखा तो मुझे एक मेल मिला जो कि फेसबुक की तरफ से आया हुआ था। हमने जब उस मेल के सब्जेक्ट को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कॉपीराइट वायलेशन। उसके बाद मैंने उस मेल को ओपन किया। जब मैंने ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ था कि आपके पेज पर कॉपीराइट वायलेशन है, और वो भी एक नहीं कई सारे, इसलिए आपके पेज को डिलीट किया जा रहा है और वो प्रोसेस में है। अगर आप अपने पेज को बचाना चाहते हैं तो नीचे उन्होंने एक लिंक दिया हुआ था, उस लिंक को क्लिक करना था, और उसमें नीचे एक लाइन और लिखी हुई थी और लिखा था कि अगर आप 24 घंटे के बाद कुछ करते हैं तो मतलब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए आप 24 घंटे के अंदर जो भी करना है 24 घंटे के अंदर करिए। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा कॉपीराइटेड कंटेंट कौन सा यूज किया है जिस पर हमें स्ट्राइक आई है, क्योंकि जनरली हम इससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें शक हुआ क्योंकि हमें जो मेल भेजा गया था वो उस ईमेल आईडी पर भेजा गया था जो कि हमने कॉन्टेक्ट में दी हुई है, और जनरली जो हमें फेसबुक के मैसेज आते हैं वो उस ईमेल आईडी पर कभी नहीं आते, वो एक दूसरी ईमेल आईडी पर आते हैं जो कि हमारी पर्सनल है। फिर हमने उस ईमेल आईडी का एड्रेस देखा जो कि एक मारियो नाम से भेजा गया था, gmail.com से था। इसके बाद हमारा पूरा शक यकीन में बदल गया कि ये कोई हैकर है जो हमारे पेज को हैक करना चाहता है, इसलिए हमने उस लिंक को क्लिक नहीं किया। हम तो बच गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नए होते हैं वो उन मेल्स को क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट हैक हो जाता है, और कभी कभार तो ये गलती बड़े लोगों से भी हो जाती है। इसलिए सावधान रहें, जब भी आपको कोई ईमेल आए तो सबसे पहले आप उसका एड्रेस चेक करिएगा। अगर उसका एड्रेस gmail.com से हो तो समझ जाइए कि यह फर्जी ईमेल है और किसी हैकर ने भेजा है, तो उस मेल को बिल्कुल भी ना खोलें और उसकी रिपोर्ट कर दें। तो दोस्तों चलिए हम आपको वो मेल दिखा देते हैं कि वो मेल कैसा आया है और उस मेल में क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेल में क्या क्या लिखा हुआ है और नीचे एक लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपने गलती से भी इस लिंक को ओपन कर दिया तो आपका फेसबुक पेज हैक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ऐसे मेल से बचकर रहेंगे और कभी भी ओपन नहीं करेंगे और हमेशा उसकी रिपोर्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।